नमस्कार साथियों, आज मैं उस वाक्य के बारे में चर्चा करूंगी जो हम बचपन से अपने सुनते जा रहे हैं और हमारे भी बड़े बूढ़े काफी समय से उसको बोलते आ रहे हैं कि कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान का जो अर्थ है, जो हम साइंटिफिक अर्थ निकालेंगे वो क्या है, बस मैं उसी बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि हर चीज में, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो जीवित नहीं हो, सब में अपनी ऊर्जा होती है, अपनी एनर्जी होती है और एक शक्ति होती है। और यही जो शक्ति है वो छोटे छोटे कणों के रूप में होती है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स, हमने साइंस में भी पढ़ा है, छोटे छोटे होते हैं, सॉलिड में जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड में दूर होंगे, गैस में ज्यादा फैले हुए होते हैं। जब वो एक दूसरे के पास आएंगे, चिपकेंगे एक दूसरे से, एनर्जी और जनरेट होगी। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होंगे तो उनसे ही क्या बनता है, हमारा ऑरा बनता है, किसी भी चीज की अपनी ऊर्जा से। तो यही यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कण कण में भगवान का मतलब वही छोटे छोटे से कण जो कि हमने साइंस में पढ़े हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें अपनी एनर्जी है, ये साइंस ने भी प्रूफ किया है, अपनी ऊर्जा है और अपनी शक्ति है। यही शक्ति जो, क्योंकि हम शक्ति को ही ईश्वर से मानते हैं, जो भगवान है वो भी परम पिता परमेश्वर क्या है, शक्ति ही है, वही शक्ति है। और जब वो शक्ति हर चीज के अंदर है, हम ये नहीं कह सकते कि ये जीवित नहीं है, चल नहीं सकती, निर्जीव चीज है, तो इसमें शक्ति नहीं है, उसका भी अपना एक ऑरा होता है और उसमें भी अपनी एक शक्ति होती है। और इसीलिए हम ये बचपन से इस बात को बोलते हैं कि कण कण में भगवान है। ये चीज हमने साइंस में अभी पढ़ी है और बाद में ये चीजें आई हैं कि मॉलिक्यूल्स है, ये सब है, लेकिन ये जो कहावत है, जो हम ये वाक्य बोलते हैं, ये तो सदियों से चला आ रहा है हमारे हमारे देश में। और ये हर एक जानता है, हर एक महसूस करता है, गांव वाला भी जानता है, उस बात को भी समझता है। तभी हम एक दूसरे को ये बात समझाते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाओ, ऐसा काम ना करो कि किसी को परेशानी हो, क्योंकि हर एक के अंदर ईश्वर विद्यमान है। और किस रूप में विद्यमान है ईश्वर? ईश्वर विद्यमान है शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, चाहे वो जीवित चीज हो चाहे निर्जीव चीज हो, उसके अंदर जो वो छोटे छोटे से कण है, जिसे कि हम आज प्रूफ करते हैं कि ये है और हम देखते हैं उसको अलग अलग तरीके से लैब में। और ये बात तो अब विदेशों में इन चीजों में इन्होंने देखी है, लेकिन जो हमारा देश है और जो उसकी संस्कृति है, ये बात तो हमारे गांव गांव में, बच्चे बच्चे में, हर हर एक में प्रचलित है कि कण कण में भगवान है। हमारी जो साइंस है, हमारी जो विद्या है, बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा आगे है इन सब चीजों से। और ये लोग जिन चीजों में अभी शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक, और आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों को बहुत पहले हम लोग शोध करके अपने जीवन में अपना चुके हैं। सिर्फ यही है कि हम उन परंपराओं को, उन बातों को, उन शब्दों को समझ सकें जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें आशीर्वाद के रूप में दी है। नमस्कार।